है क्या है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है इसके अंदर क्या है। कैसे खुलेगा बेटा ये? ऊपर ऊपर से पूरा खुल जाएगा। हाँ मेरे ख्याल से यहाँ से नहीं, यहाँ से बीच में से काटो डब्बा, बीच में से देखो ये खुल गया ना। हाँ तो सीधा सीधा छुरी मारो बीच में। अच्छा इधर से डब्बा इतना बड़ा है अमूल कैमल का मिल्क पाउडर, पता नहीं यहाँ कैमल को मरना चाहता है कितना, और किसको हाइट चाहिए। हम लोग को कैसा टेस्ट है इसका, बट ये ब्रांडेड है तो इसमें कोई शक नहीं है। अमूल का इसलिए मंगवा लिया उसने, नहीं तो एक और आ रहा था ना कौन सा। अमूल का प्रोसेस ऑफ नेचुरल इंसुलिन, डायबिटीज वाले लोगों को इंसुलिन चाहिए रहता ना, तो नेचुरल इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं रोजमर्रा में। ये हमने पूरी मंगाया है अपने घर के बच्चों को ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। अमूल कैमल मिल्क पाउडर है ये। एक पैकेट कितने ग्राम का है सुनो, देखो कितने ग्लास बने, 25 ग्राम, 25 ग्राम का एक पैकेट है, पाव लीटर दूध ना, 25 ग्राम है, ग्राम मतलब पाव लीटर दूध बनेगा ना। हाँ सोच सो, हाँ बराबर, दो दो ग्लास बनेगा, पाव लीटर दिन में पिएंगे इसको, पहले पाव लीटर वाला बनाएंगे और उसमें से एक 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 कप पिएंगे, कैसा लगता है पता नहीं। अमूल का मिल्क पाउडर तो अच्छा लगता है, पर कैमल का मिल्क पाउडर कैसा मुझे पता। फिर इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हम लोग, A few moments later. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. ब्लेंड हो जाएगा, कहीं भी लेके जाएंगे तभी ब्लेंड करना है, तब ब्लेंड करने का। ऑन हो गया, देखो बंद हुआ, ये देखो ऑन हो गया। ये हमने डीमार्ट से शॉपिंग कर ली है, बस अब शॉपिंग करके बाहर आ गए। तो डीमार्ट से शॉपिंग हो गई है, ये मुझे बहुत दिन से लेना था तो ले लिया मैंने। पाटा बाथरूम में नहाने के लिए, ये मेरे राइस आए हैं और ये कहाँ यूज़ करूँगी मैं आपको बताऊँगी। ये टेबल रनर है, 700 का कुछ है, नहीं 119 रुपये का है,
₹119 का, और ये ऐसा रहता है प्लास्टिक वाला। और इसको कहाँ यूज़ करूँगी मैं ये आपको बाद में बताऊँगी, ये मैंने क्यों लाया। तो और ये बल्ब भी है, टॉयलेट में टॉयलेट का बल्ब खराब हो गया था, फिर ये शशि ने जिम के पैंट लिए, जिम पैंट लिए हाफ पैंट पहन के एक्सरसाइज करूँगी। एक टी शर्ट उनका खराब हो गया था, नाखून मार दिए। और ये यहाँ पे मुझे परेशान कर रहा है, दो बैग लिए इसमें से, ये एक येलो एक और कहाँ है पिंक कलर का था, हाँ एक और पिंक कलर का, ये दो शॉपिंग बैग लिए। और ये लिया है वॉर्मर्स के लिए, नाश्ते के लिए लिया है, छोटी छोटी सेवैयाँ हैं शाम को नाश्ते के लिए। ये पास्ता था रवा पास्ता, ये बाई वन गेट वन फ्री था, 184 रुपीस का था, 184 में वो पास्ता है। और ये बिस्किट लिए शाम के नाश्ते के लिए, ये नीचे के डॉगी लोगों के लिए आइए पार्ले जी, पार्ले जी हमारी बचपन की यादें ज़्यादा हो गई है, ये रोज हमारे घर में होती लेकिन खाता कोई नहीं है, ये सिर्फ वो डॉगी लोग ही खाते हैं अभी। ये रिफिल पाउच हुई है क्योंकि इसका एक बार मैंने जो डब्बा लाया था तो डब्बे बार बार लाने से अच्छा रिफिल पाउच ही अच्छा पड़ता है, डब्बे फेंकने का टेंशन नहीं, एक डब्बा जब तक ख़राब नहीं होगा जो तब तक चलेगा। और ये लिए शशि ने टी शर्ट, ये शशि ने खुद के लिए टी शर्ट लिए, ये अभी उनको आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं है, मोटे हो गए लेकिन एक्सेल ही लेने का। मैं बोल रही थी कि डबल एक्सेल लो, वो साहब तो सुन नहीं गए थे, नहीं होगा नहीं होगा तो मेरा वो हाँ नहीं आएगा तो वापस में जाएगा, ये घर में ही बढ़ जाएगा, केक कटेगा और सब में बटेगा, केक कटेगा ही नहीं, केक कटेगा और सब में बटेगा। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है किचन की हिंग, और ये दाल आ गई है, दाल जो हम लोग मूंग की खाते हैं अभी, और जीरा ख़त्म हो गया था, जीरा आ गया है। कल से मैं ज़रा अपनी बॉडी मालिश करवाने वाली हूँ, तो ये मैंने पैराशूट ऑयल लाई, मालिश करवाऊँगी पैराशूट, मेरे को राय का तेल नहीं लगवाना है एक्चुअली, क्योंकि मुझे जॉइंट ही सूखे गया तो बताया भी ना मैंने, तो कोकोनट ऑयल अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा। और ये आलिया के लिए लेना पड़ा हम लोगों को वहाँ भिंगरा जो है, क्योंकि आलिया के सर में बार बार डेंड्रफ हो जा रहा है और ज़रा आजू बाजू भी चली भी जाती है, कहीं कहीं जाती है आलिया, मंदिर भी जाती है, क्या पता कहाँ से उसके सर में जू पड़ गई थी, लेकिन ठीक हो गई, अभी जू नहीं है। फिर भी ये जो ऑयल है माँ भिंगरा जो ऑयल, ये इसको लगाने से डेंड्रफ और जो है ये क्या बोलते हैं जू है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लीखे भी ख़त्म हो जाती है। और ये जो है सुबह का नाश्ते के लिए वापस रवा है, ये रवा जो पैकेट ले लिए, और ये मैगी का पिचकू सॉस है जो पहली बार खरीदा है मैंने, इतना सा सॉस हम लोग कभी खरीदते नहीं है, लेकिन अभी सबको खट्टा मना हो गया, सभी कोई खट्टा नहीं खा रहा है और खाते लेकिन चलिए संडे ही खाते रहते, तो ये पिचकू आया छोटा सा, अभी संडे है उनको अगर कुछ नाश्ता घर का किए तो उनको पिछकू लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हाँ तो उसके अपनी चटनी आ जाती है। और ये एक गाला का स्क्रबर लिया हुआ है, और ये लोगों के लिए लिंगी और छोटी के लिए भी क्रीम लिए, दोनों की अलग अलग आती है। अभी तो डीमार्ट की पूरी शॉपिंग नहीं, मंथली ग्रोसरी, ये सिर्फ ऐसी रनिंग शॉपिंग करके आए हम लोग, जो ऐसे ज़रूरत लगेगी अभी सामान हफ्ते भर में कम पड़ जाएगा। और ये इस बार हम लोग ने ऑयल का ब्रांड मैंने चेंज कराई, इस बार मैंने राइस ब्रांड ऑयल लिया क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि ये कम ऑयली रहता है और डाइजेशन में आपको फ़ायदा करेगा करके आपका डाइजेशन, ने सजेस्ट किया है कि राइस ब्रांड ऑयल पे स्विच करो, क्योंकि आपको आप जो ऑयल खाते हो ज़्यादा ऑयली रहता है, उससे आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा अभी वीक है, तो और टाइम लगेगा, एक डेढ़ महीना और लगेगा सुधरने के लिए। आपको पता है मैं सिर्फ खिचड़ी खा रही हूँ और थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ स्टार्ट किए, तो जो सब्ज़ी भी बनती है उसने बोला कि राइस ब्रेड ऑयल में बनाओ,
तो आपको जल्दी जल्दी मतलब सब्जियां तो डाइजेस्ट हो ही जाती है, लेकिन जो तेल होता है ना वो मेन जरूरी होता है, तो इसलिए हेयरपिन ऑयल लाई और 3 पाउच लेकर आया उसके। तो ये थी मेरी डीमार्ट की शॉप थी, और फिर देखिए अभी आगे आपको मिलते हैं दिन भर में क्या करेंगे फिर आपको तो पता चल ही जाएगा। कुकर की सीटी हो रही है, इन लोगों का पुलाव बन रहा है, मेरी खिचड़ी अभी तक बनी नहीं क्योंकि राइस नहीं आया था, और ये रहा राइस और अभी मेरी खिचड़ी बनेगी। और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, 2:30 बज रहा है, अगर लोग बैठे सब टिप टिप फोन लेके बैठे हैं बस ब्लॉगिंग करने के लिए, जब जहाँ जिसको वक्त मिलता है बस ब्लॉग। माओ आ गया है, माओ माओ देखो क्या लाए, माओ देखो मैं आपसे चल, माओ देखो क्या आया है, माँ इंटरेस्टेड नहीं है। अरे जाओ बाल भी कटाने, बाल बोला कटाने का भी ब्लॉग बनाऊंगा, ताकि वहाँ बैठो तो कैमरा लगा रहा हूँ। नहीं कैमरा नहीं काटेगी, मैं क्यों काटूंगी थी। माओ की मम्मी क्या शॉपिंग करके आई, अरे अभी इसको जाना है, इसकी शॉपिंग देखते हो गई है। ये देखो पापा का शर्ट, मम्मी का शर्ट, अभी इसमें खड्डे करेगा ये माओ। ओहो इसको पकड़ने से इसको खांसी आने लग गई है, इसको पकड़ना नहीं चाहिए, छोड़ दो छोड़ दो। देखो मम्मी ने क्या लाया, बिस्किट लाए, बिस्किट लाए, देखो कोई बात नहीं, चलो शॉपिंग में से रनिंग रनिंग तो बताएगा। अरे उसको खांसी आने लगी, इसको थोड़ा भी पकड़ते ना तो खांसी आ जाती है, अभी अभी भी ठीक नहीं हुआ है ना पूरा। चलो ये पहन के देख लो, चलो अरे पहन के देखो ना, फिर चेंज भी करना पड़ेगा ना।